क्वेश्चन इज कंसिडर टू स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू फॉलोड बाई अ क्वेश्चन सो स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन का ये है हमारा सवाल सो so, पहले क्वेश्चन देख लेते इज पी क्यू एन ऑर्ड इंटीजर तो क्वेश्चन है पी क्यू इज ऑड इंटीजर ये हमें फाइंड करना ये क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वन देखते हैं पी एन क्यू बोथ आर प्राइम नंबर सो पी एन क्यू बोथ प्राइम नंबर है सपोज so, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अगर टू एन फाइव हर प्राइम नंबर अगर टू फाइव को इंटू कर देते ये हो जाता है टेन दैट इज इवन नंबर मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा इस स्टेज केस में फेल हो जा रहा मतलब स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन गलत है मतलब स्टेटमेंट वन गलत नहीं है इस केस में इवन आ गया है और दूसरे केस में मान के चलिए दूसरा दो प्राइम नंबर अगर हम ले लेते हैं सपोज थ्री एक प्राइम नंबर है फाइव भी एक प्राइम नंबर है इस केस में फिफ्टीन दैट मीन्स ऑड इंटीजर आ जा रहा है इसका मतलब है दो टेस्ट केस हम लोग ले रहे हैं टू एंड फाइव एंड थ्री एंड फाइव दोनों केस में PQ का जो प्रोडक्ट है एक में इवन इंटीज़र आ रहा है एक में ऑड इंटीज़र आ रहा तो हम बता नहीं सकते पहले स्टेटमेंट से कि PQ क्यू ऑड इंटीजर है कि नहीं सो so, फर्स्ट हो गया देन सेकेंड स्टेटमेंट आता है एस टू में तो एस टू बोल रहा है क्या कि पी प्लस क्यू इज़ एन ऑड इंटीज़र पी प्लस क्यू एक ऑड इंटीज़र है ठीक है ये हमें बोल रहा है तो हमें पता है अगर इवन प्लस इवन होता है ये इवन होता है इवन प्लस ऑड होता है तो ये ऑड हो जाएगा हमारा ऑड प्लस ऑड इवन होता है एंड हमारा एक कॉम्बिनेशन बच गया जो है ऑड प्लस इवन दैट इज दिस वन ओनली हमारा ऑड प्लस इवन है तो यही कंडीशन होगा ऑड प्लस इवन जो अरेंजमेंट अलग है तो दैट इज इक्वल टू ऑड तो हमें बोला है पी प्लस क्यू ऑड है तो ऑड किस सिनेरियो में आ रहा ये फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो में मतलब एक नंबर इवन होना चाहिए एक नंबर ऑड होना चाहिए ठीक है ये हमें पता चला स्टेटमेंट टू से कि p और q में एक इवेन होगा एक ऑड होगा तभी p प्लस क्यू ऑड होने वाला है तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और जिसमें एक इवेन है और एक ऑड है इवेन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमें ऑड नंबर मिलता है ये हमें पता है तो यही हमारा स्टेटमेंट है हमारा सिंगल सॉल्यूशन आया ना कि इवेन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऑड आता है तो यहाँ से हम इंश्योर कर सकते हैं यस yes. PQ क्यू इज एन ऑडिनटीजर दैट मींस स्टेटमेंट टू को अलोन यूज करके हम बता पा रहे हैं यस yes, PQ क्यू इज एन ऑडिनटीजर सो आंसर हो जाएगा एस टू इज ओनली एस टू इज सफिशियंट सो आंसर नंबर देखेंगे कौन सा है इसमें एस टू बी नंबर हो जाएगा एस टू अलोन इज सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन सो बी इज द आंसर